केवल आ गया हर वो फिर सुन तो की बताओ केवल आ गया हर वो तीन दियाड़ा भाई डाली ने बीतिया और बाप जी ने बीत गयो है आज दूजोड़ो वार। तू मासी को जायो हर वो कर रियो है मुस्करिया तो रोस भयो है तवरा के मन माई। तवरा ने मन मन में क्रोध आयो कि देखो मासी आयो भाई खुआवे और एल की दीवानी बाता कर रहे है। हर वो जी महाराज तवरा का समाचार सुनो और केवल आ गया तवरो। अरे यहाँ बेक्या बेक्या क्या बोल रहे हो आज कोई भांग तो को नहीं पी गया आपके। तवरे जी का केवल आ गया कि भाई हर जच्चे जी यहाँ केवल है भांग पीड़ा बताए चाहे क्यों बताए मामा तो बीत गई पर तू आज जरूर क्यों नहीं क्यों करेड़ो है तू जरूर दीवानी बाता कर रहे हर वो। अरबु जी महाराज के बाल आ गया कि नहीं अब देखो दोनों आप बाप की जगह दोनों सच्चा बटे तंवर भी सच्चा तो वो हरबू जी भी सच्चा। हरबू जी महाराज के बाल आ गया रे तंवरों कुन ने तो तीन दिन हो गया कुन ने चार दिन हो गया कुन ने पांच दिन हो गया मत तो अभी कुछ घड़ी पुल पहली की बात बता दी मैं दोनों भाई माला की जाल खूब देर से एक जगह हाँ माँ के मन तन के अनेक प्रकार की बातचीत करी हाँ और तमरों सुनो माँ के बीच में दुनिया के बीच में एक शर्त फेरो की है कि पहली रूणी से रामदेव रे पहुंच जाए लो जो गेल रे जाए लो भी वो घोड़ो जीत ले लो और अब मैं भी वो घोड़ो भी जीत लियो अगर मारे साथ में वो कोई प्रकार की बेईमानी कर वो चावे तो तमरों थाने ई बात की साक्षा भरनी पड़े लेकिन मैं थक कर मैं पहुंचाऊंगी पहली अगर वो घोड़ो देवा का मान आना का नहीं करे तो वो घोड़ो भी अंदराणो पड़े लो कि था ना मन तवरे जी का हरबू जी महाराज का मुंडा कान देख रहे कि ओ ये काई है कि बेकी बात कर रही है शो घोड़ो माने हां हरबू जी महाराज के वो तवरो मारी बात था के कोनी जची कि हरबू अब किया जच्चा तो ये बात थाली कि नहीं जची तो लो एक काम करो ए चीजा संभालो क्योंकि बाबा रामदेव जी महाराज जो वे चीजा दी ही वे चीज हरबू जी महाराज ने क्यों दी और बात चीजा में कई विशेषता ही क्योंकि वे चीज जब बाबा रामदेव जी महाराज समाधि लिया पर्दो लिया तो भी गुफा के मायने रखी गई ही वे चीजा समाधि के मायने और वे चीज अब हरबू जी महाराज आपके तन से निकाल और तवरा के सामने रखे हैं क्योंकि अगर वह चीज बाबा रामदेव जी महाराज हरबू जी महाराज ने नहीं देता तो वह तवर और असंसार कदे को नहीं मानती कि समाधि लेवा के बाद में बाबा रामदेव जी महाराज हरबू जी महाराज से मिले बा निशानी दी और बा निशानी है जी अब हरबू जी महाराज आपके तन से निकालो और तवरा के सामने रखे और जिया जिया बताई जिया जिया समला वो देवे और कहे तवरा वास हरे तवरा और तने कठोरो माता मीना दे राधा स्वामी स्टूडियो में बेगाराम जी सब भाईड़ा ने दीना जसरा जुहा आ हाथ की सिमरना भाटी हर जी ने दीनी हा भाई ओ जी जी हो
तैयारी राख जो साल समारणा भाटी हरी जी ने हरे मंदिर यारी राख जो साल समा अलख दुहाई ये झूठ को नहीं बोला ओ जी बाबो राम ने जी मिली है भुला पसार ओ मिली उड़ा राम में टिकिया हो गए पढ़ते हो गया महाराज पढ़ते तो हो गया है पृथ्वी का राजा हो बोलो राम सापीर बाबा जय हो। हरबू जी महाराज केवे तमरो ओ रतन कटोरो माता मेणा दे ने दीनो बेल गेड़ियो बिरम दे के हाथ ओ कड़िया को कटारो तो रानी नेथल दे ने दीनो कटोरो सब भाईडा ने दीना चाय पानी पियो आराम से आ हाथ की सिमरना को भाटी हर जी ने दीनी और खियो एक मंदिर की राख जो ते साल समाल तमरो अलख दुहाई झूठ नहीं बोला बाबू राम जी मिले हमार से भुजा फसास अभी चीजा सामने रखी और बताऊं अब सोच के मायन हो गया रे ए चीजा री हर मुगे के नखटाऊं आई तो देखो संसार में दो ही प्रकार का लोग हो या आस्तिक और नास्तिक तो वह तवरा के मायने भी दोनों प्रकार का लोग कई तो बाबा रामदी जी महाराज ना भगवान को अवतार मान्या करता और कई इयल का भी आ यारे नहीं रे कहां को भगवान ने दुनिया ने बावला बना के लेके आए तो बा लोगों का डाव लाग गया तुरंत बा चीजा ने देख और खेवा लाग गया देख ले मैं खाज की बात आ गई सामने आ गई निकल को लोग दिखावा को गुफा खुदाई भी के माने जीव तो समाधि का नाम से बैठ तो गयो पर दम गुठियो के निकल जातो रियो अब आपने सामने या तो कौन सो मुंडो ले रहा और ये हरबू की ओट ले और ये चीजा हरबू का साथ में भेजिए कि भाई ये चीजा ले जा रहा दिखावा लो तो विश्वास कर लेला कि भाई निकल जा थोड़ी तो अटेक टेक ऊंचा कमाने लुखेड़ो बैठे हो अगर कोई ने जोर तो वे तो जार लियो कई बड़ा बुजुर्ग लोग खेवा ला गए रे दुष्टो बाप जी के प्रति यहां का समाचार मत खेवो तो किन्ने खेवा तो थे दे दियो ये बात को जवाब ओ हर को छाती कूट कूट रखे रहे कि खूब देर से मैं एक जगह रिया एक जगह मिला माला जी जाओ और ए चीजा तो समाधि का मायन रखी है हर को कतन खटाऊ आई थी अगर बताओ निकलो नहीं गयो तो अब तो एको समाधान जदी हो सके कि चलो की समाधि ने खोद देखो देखो तो देखो बाबा रामदेव जी महाराज जद समाधि लिया जी से पहली आपका वंशज और मौजूद जो भी भक्तगण आपने अनेक शिक्षा की बातें बताई जी वक्त आपका वंशज तवरा ने एक विशेष बात बताई ही कि तवरों कदे भी चाहे तीन त्रिलोकी को ना थी क्यों नहीं यार कहते था ना पर कदे भी भूल और मारी समाधि उल्टी मत खोद जो एक तरफ तो बाबा रामदेव जी महाराज एक प्रकार की रोक लगा गया और अब अठिन तवर है जगह उल्टा समाधि खोदवा की तैयारी कर रहा है बाके माए से कई मना भी कर रहा है कि रे बाप जी मना कर गया समाधि ने मत खोदो तो कि नहीं खोदा तो तेरी बात को समाधान किया निकला थे बताओ तो देखो मैं तवर है जगह काई बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि ने खोदवा जाए है तो देखो कोई भी संत महापुरुष की समाधि लगाई जाए तो भी को मुंडो उतरा दबांडा हो जाए रहे बाबा रामदेव जी जी वक्त समाधि लिया तो मुंडो उतरा दबांडा हो
और भाई तंवर भी है जो उत्तरा दाबांडा सरदार समाधि ने खोद वो शुरू करया है। तो जी वक्त काई लीला होवे हे जी हिल मिल तुम्हारा मतो कर चाल ओ हे जाय खोदी धनिया री पटसा पड़दा में बैठा बाप जी बटे बटे हसिया हो जी जी अंतर के वड़ारी मुनी है महका पड़दा में बैठा रे बाप जी बटे बटे हसिया तो हो गया महाराज पढ़ते तो हो गया है पृथ्वी का राजा हो जी हो बाबू राम दे जी मिलिया भुजा पसा पीर बाबा जय हो कि हिल मिल तंवर मतो कर चाल्या जाय खोदी है धनिया की पटसाल जद पर्दा में बैठा बाप जी बक बक हसियार अंतर केवड़ा की उड़ी है महकार मैं तंवरे जका जाय उत्तरा दा बांडा से बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि ने खोदवो शुरू करया 10-20 पावड़ा माटी का दूर हटाया जी वक्त बाबा रामदेव जी महाराज आपका पीठ घुमा गया उत्तरा दाबांडा से मुंडो है जो दिखना दे बांडे कर लियो दक्षिण साइड में आपका बन सजाना आपको मुंडो को नहीं दिखाया और भी समाधि के माय से हंसता हूं यहाँ की आवाज बारे आई और माय से यहाँ की महकार आई तमरे जगा हंसता हूं यहाँ की आवाज सुनता ही तुरंत खोद वो बंद कर दियो क्यों रहे तो माय नहीं तो अब सारा का सारा सोना हो गया बड़ा बुजुर्ग लोग के बाल आ गया दुष्टो था ने मना कर रहा कि भाई समाधि न मत खोदो जी वक्त अब बाबा रामदेव जी महाराज समाधि के मायन बैठे हो या और बात तंवरा ने कियो तंवरो आज मारा वचन को उल्लंघन करया हो थे मारे ऊपर दगो बिचारिया हो मारे ऊपर अनेक प्रकार की शंका पैदा करी हो और मारे लाख मना करवा के बावजूद आज मारा पर्दा न ढाया होते मारी समाधि खोदी हो तो जाओ जीव बाबा रामदेव जी महाराज आपका वंशज बा तंवरा ने एक ही प्रकार को श्राप देवे और कहे तंवरो हारे अरे काबा हो जो रे तमरो को सरे खाते हो अरे पिता जा जो रे माना दाना वाली ला काबा हो जो रे तमरो को सरे खाते हो जा
पीढ़ी पीढ़ी के माइए पीरा हो मता हो जी। अरे थे दिन पूजता भारे से सवा पीढ़ी पीढ़ी के माइए पीरा हो मता अलख दुहाई रे झूठ कोनी बोला ओ जी जी। राधा स्वामी स्टूडिया में बेगाराम जी पर्दे तो हो गया है रूनी सारा पीर बाबा जय हो। बाबा रामदेव जी महाराज आपका वंशज तौरा निखियो तौरा काबा हुजूरे तौरा को सरखाजी और बिकजाजियो थे मारा बाना की लार हर पीढ़ी पीढ़ी में पीर होता थे भी पूछता मारे से सवाल तौरा। आज जद मारा बचन को उल्लंघन करया हो मारे ऊपर दगो बिचारिया हो तो जाओ जगह हमारी समाधि है जगह भादवा और माका मैना के मायने बहुत बड़ा भारी मेला लागेला लाखों की तादाद में यात्री आवेला हर बांट बांट के नीचे यात्री दिखाई देवेला जंगल के मायने मंगल हो जाएला तो तौरो हर यात्री के सामने मारा नाम से थाको हाथ ही रहे लो फिर भी थाको पेट नहीं भरे लो तो आज भी रूनीचा रामदेव ना कमाए आप देखो बाबा रामदेव जी महाराज को वचन है पर तुम्हारे जी का अनेक छड़ावा की उपाय खोल में लिए अठे भी चढ़ाओ अठे भी चढ़ाओ इस जगह बाप जी मोचड़ी खोलता इस जगह बाप जी बिराजता इस जगह बाप जी यहाँ करता इस जगह बाप जी यहाँ करता अनेक छड़ावा के उपाय खोल में लिए फिर भी वहां को पेट नहीं भरे है। जी वक्त बाबा रामदेव जी महाराज बतौरान कियो कि तौरो आगे और सुनो जद भादवार माखा महीना के मायने बड़ा भारी मेला लागेला लाखों की तादाद में यात्री आवेला जंगल में मंगल हो जाएला हर बांट बांट के नीचे यात्री दिखाई देवेला तो भी मेला में चार दिन के लिए मैं साक्षात मेला के मायने चाय पानी पीवा आराम से बाबा रामदेव जी महाराज कौन सा बताया हरे तमरो अरे नौमी मेरे महाराज ने जा तो पेला ओ जी अरे दस मिन हो वेला से दीदा से पाछे जावे देव दुआर प्यार से न तो होवे दिल के सपाड़ा ओ जी जी को
हरी शरण में भाटी हरि जी बोलिया करे थारा पाना वाली लार ओ हरी शरण में भाटी हरि जी बोलिया अलख दुहाई रे झूठ कोनी बोला ओ जी ए पढ़ दे हो गया महाराज कवा ओ पढ़ दे तो हो गया है पीरथरी का राजा बाबा राम जी महाराज की भादवा और माघ का महीना में मेला भरेला लाखों की तादाद में यात्री आवेला तो जो भी मारो सच्चो भक्त मारी यात्रा को ऊपर आवेलो तो बस चार दिन कमाए हर एक यात्री ने एक दूसरा कमाए ना मारी झलक दिखाई देवे एक दूसरा यात्री ने एक दूसरा कमाए ने मध्य खोला कि नौमी ने मारा रेजा रुपेला और दसवीं ना हुआला से दीदा तौरो कोई भी मारो सच्चो भक्त आपका घर से मारी यात्रा को ऊपर और मारा साक्षात दर्शना को प्यासो अगर आवे लो तो मैं भी न दसवीं के दिन साक्षात भी दर्शन देऊंगा जद खियो नौमी ने मारा निजा रुपेला दसवीं न हुएला से दीदार ग्यारस न हुएला तिलक सपाड़ा और बारस के पास से चला जाएला देव दुआ जद के हरी सर ने भाटी हरजी बोले अरे युग युग रहूं थारा बाना वाली लार इस प्रकार से जद बाबा रामदी जी महाराज और बतौरा के बीच के मायने वार्ता हुई हरबू जी महाराज है जो बस सारी लीला दे कर मन में सोच रहे बिड़ जा रहा बाप रो साचो और आपा भी की कैद कर आया हरबू जी महाराज उल्टा आपके गांव गोंग ती पहुंचा तो बिड़ जा रहा की बाल के चारों में पैरा एक खड़ा ठीक है तो कैद कर रहे हो हरबू जी महाराज दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो आपको शीश झुका दी और लखी बिनजारा के सामने और खियो बिनजारा मैं बहुत बड़ी गलती करी थारी कैद कर दी और तू सच्चो है मैं थारी बात को ऊपर भरोसों को नहीं करियो जी के लिए मैं थार से माफी चाहूं पर बिनजारा एक बात सुन मैं थारो बहुत बड़ो एहसान मंदी भी हूं क्योंकि तू ए समाचार मन नहीं कहतो और मैं ए समाचार सुन और अगर नहीं जातो तो बाबा रामदेव जी महाराज से साक्षात मारो मिलाप तो नहीं होतो तो ई बात के लिए बहुत बड़ो एहसान है मारे ऊपर थारो कि तू मन समाधि पढ़ दो लेबा के बाद में भी तू बाबा रामदेव जी महाराज से साक्षात मिलायो दर्शन कराए जद लखी बिरजारो हरबू जी महाराज से समाचार सुनया मन में सोची रे खोडला खुड़ सा घाटा और नफा ने देखे तो आपकी बालग ने उल्टी घुमाई रुणीचे रामदेव रे पहुंचो बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि के ऊपर लखी बिनजारो आपकी बोलवारी पूरी करी आज जो बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि के ऊपर जो स्वामंड बनेड़ो है लखी बिनजारो बनायो आज वो प्रमाण मौजूद है और आज वो जो को त्यों है बिन छेड़ को नहीं सके क्योंकि बहुत बड़ी यादगार है तो देखो रामदेव राम मंदिर बिल्कुल छोटो सो है क्योंकि वो लखी बिनजारो जी वक्त बना दिए जो बना दिए भी कमाए कोई फेर बदल को नहीं कर सके
इस प्रकार से अब बाबा रामदेव जी महाराज का जो पर्दा की कटाई, तो देखो एक विशेष बात आती है कि बाबा रामदेव जी महाराज की दोनों तरफ उत्तर साइड और दक्षिण साइड के मायने रोहिणी रामदेव राम पूजा हुए। क्यों? कि समाधि लेवा से पहली मुंडो उत्तर साइड में हो, और जब तमर समाधि ने खोदी तो पीठ को मांगा दिखना दे बांडे दक्षिण साइड में आपको मुंडो कर लिया। तो मेला की वक्त के मायने ज्यादा भीड़ चले, दोनों तरफ पूजा हुए बाबा रामदेव जी महाराज की, दोनों तरफ की पूजा मान्य है। इस प्रकार से अब बाबा रामदेव जी महाराज का पर्दा की जो कथा ही आप लोगों ने सुना दी। बोलो द्वारका नाथ की जय हो।